नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आई है। प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम गोखले की हालत बिगड़ने पर उन्हें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें धड़ाधड़ चल रही हैं, जबकि दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले की पत्नी वृषाली गोखले ने अपने पति की मौत की खबरों का खंडन किया है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार वृषाली ने कहा कि विक्रम बुधवार दोपहर को कोमा में चले गए हैं और फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। वृषाली ने यह भी कहा कि विक्रम के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, मगर अभी भी वे जिंदा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वृषाली ने आगे कहा कि विक्रम 5 नवंबर से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुवार तड़के अभिनेता की मौत की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद अजय देवगन, रितेश देशमुख सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने शोक व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वृषाली ने कहा, वह कल दोपहर कोमा में चले गए और उसके बाद उनके शरीर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिलहाल वह वेंटिलेटर पर हैं। अभिनेता को दिल और किडनी में परेशानी है और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। बता दें, विक्रम गोखले अग्निपथ, हम दिल दे चुके सनम और भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। हाल ही में 19 नवंबर को दिग्गज अभिनेत्री तबस्सुम ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद बॉलीवुड अभी उभरा ही नहीं था कि अब अभिनेता विक्रम गोखले की गंभीर हालत की खबर सुनकर उनके फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं।